नजर डालेंगे दिलचस्प और अजीब पर। लंदन में सस्ती अशिया की दुकान से खरीदी गई $7 की कुर्सी अब $21,874 यानी 38,70,604 रुपए में नीलाम हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक लकड़ी और बैट से बनाई गई कुर्सी 20वीं सदी के मशहूर फनकार कोलोमन मोसर ने अपने हाथों से बनाई थी, जबकि बरतानवी खातून ने बिद्यानी में इसे बरतानवी इलाके ब्राइटन एंडहर्स्ट से खरीदा था और इनकी नायाब और तारीखी अशिया खरीदने वाली कंपनी को भेजी, जिसने इसकी बोली करवाई। खरीदने के शौकीन बोली देने वालों के माबेन मुकाबला हुआ तो कीमत बढ़ते बढ़ते $21,874 तक पहुंच गई। मुल्क में एरोपोनिक टेक्नोलॉजी के तहत आलू की पहली फसल कामयाबी से काश्त कर ली गई। मट्टी में काश्तकारी का तरीका हुआ पुराना, फसलें अब हवा में होंगी काश्त। एरोपोनिक्स निज़ाम के तहत आलू की पहली फसल कामयाबी से काश्त कर ली गई है। कोरिया की जानिब से फ्राहम की गई एरोपोनिक टेक्नोलॉजी कामयाबी पर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कोरिया के सफीर ने भी शिरकत की। ज़रीन माहरीन का कहना था कि एरोपोनिक्स निज़ाम काश्तकारी से पाकिस्तान आइंदा 2 वर्ष में आलू के बीज की पैदावार में खुद कफील हो जाएगा। कोरियन साइंसदानों ने भी हवा में आलू के बीज की काश्त के नतज को हौसला अफजा करार दे दिया और एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी के फरोग के अजम का इजहार किया, जबकि एरोपोनिक्स टेक्नोलॉजी से किसानों को आलू का सस्ता बीच में असर आएगा।